हेलो फ्रेंड्स, वंदना देसी चूल्हा में आपका स्वागत है। आज हम गणपति जी के भोग के लिए दूध मोदक बनाएंगे। ये घर के सामान से ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं, तो हम बनाना शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई को गैस पर रखा है, 1 लीटर फुल क्रीम दूध है, फ्लेम को हाई पर रखा है। दूध में उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, दूध को चला देते हैं और थोड़ा सा दूध हम बोल में निकाल लेते हैं। हमने दूध में 15-16 धागे केसर के डाल दिए हैं, जिससे मोदक में अच्छी खुशबू और कलर आए। अब दूध को लगातार चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। हमें दूध को चलाते हुए 16-17 मिनट हो गए हैं। दूध पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसमें हम चीनी डाल देते हैं, 1/2 कप चीनी है। चीनी आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ में केसर वाला दूध भी डाल देते हैं। अगर आप इसमें पाउडर वाला दूध डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर 1/2 कप दूध डाल सकते हैं, तो ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। हम इसे बिना पाउडर वाले दूध के बनाएंगे। हम इसे ऐसे ही लगातार चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। हमने इसे 5-6 मिनट और चलाते हुए गाढ़ा कर लिया है। इसमें केसर का अच्छा कलर आ गया है और काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा चम्मच से प्लेट में निकालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। गैस ऑफ कर देते हैं, चलाना बंद नहीं करेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है, तली में काला हो जाएगा। अब ये ठंडा हो गया है, गोली बनाकर देखते हैं। अच्छी गोल गोली बन रही है, हाथों में नीचे पक रहा है, ये परफेक्ट है। प्लेट में निकाल लेते हैं और फैला देते हैं, जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाए। हमें इसे बनाने में 25-26 मिनट लगे हैं। अब मोदक के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। ये चॉप किए हुए रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। हमने ये बोल में निकाल लिए हैं। 1 बड़ा चम्मच मावा इसमें मिक्स कर देते हैं और स्टफिंग बनाते हैं। अब हमारी स्टफिंग रेडी है, मोदक बनाते हैं। मावा थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हमारे हाथ नहीं जल रहे, हम इसे छू सकते हैं। इसमें 4 कुटी हुई इलायची का पाउडर मिक्स कर देते हैं, जिससे इसमें इलायची की अच्छी खुशबू आएगी। अब मोदक बनाते हैं। मोदक बनाने के लिए हमने मोल्ड लिया है, इसे घी से चिकना कर लेते हैं। अब इसे बंद करके उल्टा कर लेंगे। थोड़ा सा मावा लेंगे और इसे थोड़ा सा दबाते हुए मोल्ड में अंदर डाल के उंगली से चारों तरफ दबा देंगे। हमने उंगली से चारों तरफ अच्छी तरह दबा दिया है। अब थोड़ी सी स्टफिंग लेके थोड़ी पतली करेंगे और अंदर रख के उंगली से दबा देंगे। थोड़ा सा मावा लगा के चिकना कर देंगे। अब मोल्ड को सीधा कर लेते हैं और खोल देते हैं। अब हमारा मोदक बनके तैयार है। इसी तरह हमने सारे मोदक बना लिए हैं। हम इसके ऊपर थोड़ा सिल्वर वर्क लगा देते हैं, अगर है तो लगा दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये केवल हम शो के लिए लगा रहे हैं, इसे लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। इसे कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर देते हैं। दस 12 धागे केसर की हमने 1/4 छोटा चम्मच पानी में भिगो के रखे थे, मोदक के ऊपर लगा देते हैं। अब हमारे गणपति जी के भोग के लिए दूध मोदक बनकर तैयार हैं। आप भी मोदक बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।